अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू उमर एडवेंचर। और आज मैं बहुत थका हूँ क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की और मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है। और आज मेरी उमर ने रमज़ान की भी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की हैं लेकिन मैं दिखा नहीं सका क्योंकि आज सब PSL का फाइनल। और अगर मैं ब्रेक लेता ना तो मैं मैथ नहीं देख सका था। तो यार, आप लोग ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और यार, अभी मैं मैच देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है मैच में। और अभी मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि अभी यार मुझे भूख लग रही है और मुझे डिसाइड नहीं हो रहा मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर ली है, सारी कुजीन तकरीबन एक्सप्लोर कर ली है। मतलब मैंने बहुत अरेबिक तो बिल्कुल एक्सप्लोर करी, पाकिस्तानी और बहुत सारी कर ली है, इटालियन भी कर लिए। तो यार अभी आप लोग मुझे कौन सा आइडिया करें कहाँ जाने का है। तो यार अभी मेरी बहन मेरे लिए क्यूकम्बर भी बना रही हेल्दी स्नैक और अभी मैं डिसाइड करता हूँ कहाँ जाने। यार आप लोग को कौन लगता है कौन जीतेगा? मैं तो मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ और अभी रिजवान आउट हो गया। भाई टेंशन हो गई, आप देखो टेंशन से मेरा हाल क्या हो गया। और आप देखिए मैच कितना इंटरेस्टिंग, 13 रन चाहिए मुल्तान को जीतने के लिए, वो भी सिर्फ आखिरी ओवर में यार। और रिजवान देखो बेचारे अंदर बैठा हुआ है और मैं तो होप ही कर रहा हूँ कि मुल्तान जीते। और मैं इतना अच्छा मैच चल रहा है कि मैंने बोला यार PSL का फाइनल है, मैं बाहर नहीं जा रहा क्योंकि मैच देखना मुझे। तो मैंने घर पर अपने लिए मंगा लिया बर्गर कैफेटेरिया से सामने और मैं मिलता हूँ और मैं देखता हूँ मैच और इंशाल्लाह मुल्तान जीतेगा। आप देख सकते हैं मुल्तान हार चुके हैं लेकिन वो भी सिर्फ 1 रन से, वो रन आउट हो गए और 2 रन बन गए थे। ऑलमोस्ट मैच सुपर ओवर में गया था, बहुत ही अच्छा खेला लाहौर ने। यार मैं तो मुल्तान को सपोर्ट कर रहा था लेकिन लाहौर वेल प्लेड, वो पहली PSL टीम है जो 2 in a row टाइम्स जीती है, लास्ट ईयर भी जीती थी, इस ईयर भी जीती है वो, और ये भी दोनों सेम अपोनेंट्स थे फाइनल में। तो मैं कह सकता यार काफ़ी अच्छा मैच था, वन ऑफ द बेस्ट PSL फाइनल एवर। यार ये मैंने बर्गर खरीदा और ये इतना इकोनॉमिकल बर्गर, मैं सब कुछ सस्ता खरीदता हूँ मेरी पूरी फैमिली में, सिर्फ 13 दिरहम का, ओनली 30 दिरहम का बर्गर, इसमें डबल पैटी है। यार एक सेकंड ये खुलता है, देखो खुल गया, ये है डबल पैटी बर्गर, इतना गर्म है, डबल पैटी बर्गर है ये। और यार इतना गर्म यार मैं फूल भी नहीं सकता। देखो ये है डबल बर्गर, आप देखिए इसमें चिकन है बिग मैक की तरह और उसके साथ चिप्स भी है, केचप भी आया 2 पैकेट, देखिए कितना सस्ता है। मैं आपको प्राइस भी दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा सस्ता है। आई थिंक 13 अमाउंट है 13। ओके अपना बर्गर बहुत ही मजे का, चिकन जूसी हो, फ्राइज का खा खा दो। फ्राइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे। तो यार आज मैं इसलिए बाहर नहीं गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल PSL का मैच था और तब भी मुझे भूख लगती है, मेरे डैडी बाहर काम को होता है बहुत तो हम जा नहीं सकते और घर पे आने के इतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होते। तो यार रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी क्योंकि यार मैं आपके लिए रोज़ डिशेज नहीं होते यार, तो मैं डिजर्ट्स बनाऊँगा। और यार मैं कह रहा हूँ आप अपने रोज़े खोलने के बाद ही देखना क्योंकि फिर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो रोज़े के बाद ही देखना। अब मैं अपना बर्गर और फ्राइज खाता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ खाने के बाद। मैं किचन में आया और यहाँ पे वो चीज़ थोड़े से मसाले देखे, मैंने मम्मा से पूछा ये किस चीज़ के लिए मसाले मंगाए, मम्मा ने बोला स्पेशली दही बड़े के लिए मसाले हैं। मैंने मम्मा से पूछा बाहर से क्यों नहीं मंगा ली, मम्मा ने बोला घर पे बनाने हेल्दी होता है। मम्मा जो कल बनाएंगी ना दही बड़े के मसाले मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं मम्मा को बहुत शौक है काम करने का, मतलब हर वक्त काम कर रही होती है। मम्मा को ये 10 दफ़ा बोल दिया कि शाम के मसाले मंगा लिया करो लेकिन मम्मा को नहीं, घर पे ही मसाले बनेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी आइसिंग कर रहा हूँ, आज का व्लॉग मैं यही पहन कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल का वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और कल आप मेरे ब्लॉग देखते हैं और स्पेशली रमज़ान में उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली, रमज़ान में हर दिन ब्लॉग आएगा, मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन ब्लॉग आएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।